दोस्तों नमस्कार। सुख समृद्धि के इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वह घंटी भी बजा दें ताकि हर नए वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। इस वीडियो में जानिए आचार्य चाणक्य की 10 ऐसी नीतियां जो कि आपको हर कदम कामयाबी दिला सकती है। इन नीतियों का पालन करने पर कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। पहली नीति, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी राजा की शक्ति उसका स्वयं का बाहुबल है, ब्राह्मणों की ताकत उनका ज्ञान है, स्त्रियों की ताकत उनका सौंदर्य, यौवन और उनकी मीठी वाणी होती है। दूसरी नीति, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुमारी कन्या, वृद्ध और बालक, इन सातों को कभी भी हमारे पैर नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये सभी पूजनीय हैं और सदैव पवित्र हैं, अतः इन्हें पैर लगाकर इनका निरादर नहीं करना चाहिए। तीसरी नीति, आचार्य चाणक्य के अनुसार ये सात जब भी सोते हुए दिखाई दें तो इन्हें तुरंत जगा देना चाहिए। ये सात लोग इस प्रकार हैं: द्वारपाल, नौकर, राहगीर, भूखा व्यक्ति, भंडारी, विद्यार्थी और डरावा व्यक्ति। ये जब भी सो रहे हों इन्हें तुरंत नींद से जगा देना चाहिए। चौथी नीति, लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए। इस संबंध में चाणक्य ने बताया है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले हमें खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। ये 3 सवाल ही लक्ष्य प्राप्ति में आपकी बाधाओं को दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं, साथ ही ये कार्य की सफलता भी सुनिश्चित कर सकते हैं। ये 3 प्रश्न इस प्रकार हैं: मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे द्वारा किए जा रहे इस कार्य का परिणाम क्या क्या हो सकता है, मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ क्या मैं उसमें सफल हो सकूँगा। ये 3 बातें किसी भी काम की शुरुआत में अवश्य सोचनी चाहिए। पांचवी नीति, आचार्य कहते हैं कि जिस धर्म में दया का उपदेश न हो उस धर्म को छोड़ देना चाहिए, जो गुरु ज्ञानहीन हो उसका त्याग कर देना चाहिए। छठी नीति, जीवन में सफलताएँ प्राप्त करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस संबंध में चाणक्य द्वारा कई सटीक सूत्र बताए गए हैं। इन्हीं सूत्रों में से एक सूत्र यह है कि सांप, राजा, शेर, डंक मारने वाला जीव, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्ते और मूर्ख, इन सातों को नींद से कभी भी जगाना नहीं चाहिए। ये सो रहे हो तो इन्हें सोते रहने देना चाहिए। सातवीं नीति, शारीरिक बीमारियों का उपचार उचित दवाइयों से किया जाता है, लेकिन मानसिक और वैचारिक बीमारियों का उपचार किसी दवाई से होना संभव नहीं है। इस संबंध में आचार्य चाणक्य ने सबसे बुरी बीमारी लोभ बताई है। लोभ यानी लालच। जिस व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है वह निश्चित ही पतन की ओर भागने लगता है। लालच एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आसानी से नहीं हो पाता है, इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने इसे सबसे बड़ी बीमारी बताया है। आठवीं नीति, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार मनुष्य वही है जो विवाह के लिए नारी की बाहरी सुंदरता न देखते हुए मन की सुंदरता देखे। यदि कोई उच्च कुल की कुरूप कन्या सुसंस्कारी हो तो उससे विवाह कर लेना चाहिए, जबकि कोई सुंदर कन्या यदि संस्कारी नहीं है, अधार्मिक है, नीच कुल की है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, उससे किसी भी परिस्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह हमेशा समान कुल में ही शुभ रहता है। नवी नीति, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भगवान मूर्तियों में या मंदिरों में नहीं है, भगवान हमारी अनुभूति में है, हमारी आत्मा में ही भगवान का मंदिर है। सभी के शरीर में आत्मा रूपी मंदिर में अनुभूति रूपी भगवान विराजित रहते हैं, बस इंसान इन्हें महसूस नहीं कर पाता और दुनिया भर में खोजता रहता है, जबकि भगवान हमारे अंदर ही मौजूद है। दसवीं नीति, आचार्य चाणक्य के अनुसार मूर्ख शिष्य को उपदेश देने पर, किसी बुरे चरित्र वाली स्त्री का भरण पोषण करने पर और अकारण दुखी रहने वाले लोगों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करने पर दुख ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य की 10 ऐसी नीतियाँ जिनका पालन करने पर हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। आचार्य चाणक्य को अर्थशास्त्र के साथ ही राजनीति और कूटनीति में भी महारत हासिल थी। चाणक्य तक्षशिला गुरुकुल में अर्थशास्त्र के आचार्य थे। चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी रचा है जिसका नाम है चाणक्य नीति। इस शास्त्र में जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, इस संबंध में महत्वपूर्ण नीतियां बताई गई हैं।
इन नीतियों का पालन करने पर व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में हर कदम सफलता प्राप्त कर सकता है और उल्लेखनीय कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।